डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ बायो, आज हम लोग इसके पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल थ्योरी के बारे में बताना है कि सेल थ्योरी आप लोगों ने देखा है कि सारे साइंटिस्ट लोग जो थे वो धीरे धीरे सेल के बारे में जाने, उसके बाद पहले डेड सेल के बारे में जाने, फिर लिविंग सेल के बारे में जाने, और उसके बाद से धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में वो जानने लगे और रिसर्च करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया कि सेल सेल के बारे में बताया कि सेल लिविंग है, सेल फंक्शन करता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ये सब। तो सब लोगों ने मिल करके एक रिफाइंड किया थ्योरीज़ को, पोस्टुलेट्स को, जो कि लास्टली 1855 में जा कर के आर वर्चाऊ ने उसको रिफाइंड किया और बताया कि चार पोस्टुलेट्स निकल करके आए इन सारे रिजल्ट्स के बारे में, सेल के बारे में। क्या क्या? तो पहला था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, और सेल सिक्रीशंस, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे या तो सेल से बने होते हैं या सेल के सिक्रीशन से बने होते हैं। सेल का सिक्रीशन मींस जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेज होती हैं जो कि उनको डाइजेस्ट करती हैं, फिर हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, ये क्या है? सेल के सिक्रीशंस हैं। तो इस ये सिक्रीशंस हमारे बॉडी में काम करते हैं नहीं, जिससे हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल सिक्रीशंस, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन सेल्स। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, जो कि फूड लेना, उससे एनर्जी निकालना, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को यूज करना, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ग्रोथ करना, रिपेयर करना बॉडी का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सेल में भी होती हैं, ठीक है। सेल, एक सेल फूड लेता है, उससे एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और एक्सक्रीशन करता है। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सेल के अंदर होती हैं और उन सेल से मिलकर के ही ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बना होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, नहीं बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल। पहले तो ये स्ट्रक्चरल हम समझेंगे कि एक सेल मिल करके ही, एक सेल दूसरे सेल से, तीसरे सेल से मिल के, एक टाइप के सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, और सारे ऑर्गेन सिस्टम्स मिल करके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया सेल का। एंड फंक्शनल, फंक्शनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक सेल में जो फंक्शंस हो रहे हैं वही फंक्शंस पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहे हैं। तो सबसे छोटा फंक्शन करने वाला सेल ही है, तो इसलिए उसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो कहीं नए दूसरे जगह से नए बन के नहीं आते हैं, जो पहले से सेल होता है वही डिवाइड होकर के एक से दो, दो से चार, चार से छः, इस तरह से बढ़ता जाता है और उसी से वो सेल का ग्रोथ होता है, नंबर बढ़ता है और उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। तो जितने भी सेल होते हैं वो पहले से जो सेल हैं मौजूद उन्हीं से डिवाइड करके आगे बनते हैं। तो चौथा पोस्टुलेट है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कहाँ से लाइफ उसका स्टार्ट होता है, एम्ब्रायो से, ठीक है, और वहाँ से वो जाइगोट जो बनता है रिप्रोडक्शन होने के समय, जाइगोट बनता है, वो एक सेल होता है, वो एक सेल से ही मल्टीपल सेल में डिवाइड होता जाता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो, वहीं से एक सिंगल सेल से ही लाइफ की शुरुआत होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की,
ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उनका लाइफ एक सेल से ही शुरू होता है। इसका एक एक्सेप्शन है वायरस। वायरस जो होता है वो ना उसमें सेल होता है, वो सिर्फ एक क्रोमोसोम्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेल में भी नहीं आता है, इसलिए वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में पड़े होते हैं। नहीं तो इसे हम बोलते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। वायरस इसका एक्सेप्शन है क्योंकि वो एक सेल भी नहीं है।